पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ऐसे में पत्रकारों को जान से मारने की धमकी मिलना, उन पर अत्याचार होने लगा तो ये चिंता का विषय होता है। देश में आए दिन पत्रकारों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में यूपी से एक चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि आगरा के इतमादपुर तहसील में अड़ुखेरी गांव का कोटेदार पत्रकार के घर जाकर जान से मारने की धमकी दे रहा है। खबर चलाने से कोटेदार बौखला गया और पत्रकार के घर पहुंचकर उसे धमकी देने लगा। पत्रकार ने दबंग राशन डीलर की शिकायत थाना बरहन पुलिस को दी है। बता दें कि पुलिस ने उचित कार्यवाही करते हुए आश्वासन भी दिया है। आगरा से रामसेवक धाकरे की रिपोर्ट। पत्रकार हूं, मैंने आज से 3 दिन पहले एक खबर राशन डीलर जो कि जीतू ठाकुर की कवरेज की थी, वो भी काफ़ी दबंग किस्म का डीलर है। वहाँ मैंने खबर कवरेज की, जनता बोल रही थी 1 यूनिट पर 2 किलो राशन डीलर कम देता है, इसी को लेकर के मैंने खबर प्रकाशित की। खबर प्रकाशित हो जाने पर राशन डीलर आग बबूला हो गया और आज 2 दिन से लगातार वो मुझे और मेरा एक पत्रकार भाई अनिल चौधरी को ढूंढ रहा है। दारू पिला करके लड़कों को, 20 से 25 लड़कों को हमें मारने के लिए, हम घर से भाग चुके हैं, बेघर हैं, हमारे घर पे भी चक्कर लगा रहा है। पुलिस प्रशासन कोई सुनवाई